हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ प्लेनेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉ के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ का मीनिंग क्या होता है। लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय सॉवरेन अथॉरिटी टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। लॉ क्या है? एक रूल ऑफ कंडक्ट है जो कि रिकॉग्नाइज होता है और एनफोर्स होता है सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा। हमारे इंडिया में सॉवरेन अथॉरिटी कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही क्या करती है? लॉ को रेगुलेट करती है, रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। और क्यों करती है? ताकि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर मेंटेन रहे। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस के बारे में कि जो डिफरेंट फिलोसोफर्स हैं उन्होंने लॉ की क्या डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टिन क्या कहते हैं। ऑस्टिन ये कहते हैं कि लॉ इज अ कमांड फ्रॉम सॉवरेन पर्सन और बॉडी इन द पॉलिटिकल सोसाइटी टू अ मेंबर और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो लॉ है वो एक कमांड है जो कि सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है और जो हम सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हैंस केल्सन की। हैंस केल्सन ये कहते हैं कि लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस। अब हैंस केल्सन ये कहते हैं कि लॉ जो है वो एक अप्लाइड साइंस है, ठीक है, जिसे हम अप्लाई करेंगे सोसाइटी में, उससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और तभी हम चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। थर्ड डेफिनेशन है हमारी हॉलैंड की। लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। लॉ क्या है? एक जनरल रूल है जो भी ह्यूमन का एक्सटर्नल एक्शन है उसको एनफोर्स करवाती है और जो सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो इस काम को करती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सामंड की। सामंड ये कहते हैं कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब सामंड ये कहते हैं कि जो लॉ है वो एक प्रिंसिपल्स की बॉडी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती है और अप्लाइड होती है स्टेट के द्वारा ताकि जो जस्टिस है वो एडमिनिस्टर हो पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉ। मेनली जो लॉ है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है सब्सटेंसिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंसिव लॉ क्या होता है वो हम देखते हैं। इट इज़ अ लॉ दैट क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। एग्जाम्पल IPC, TOT, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। सब्सटेंसिव लॉ वो होता है जो क्या करता है, पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज़ को क्रिएट करता है और उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है प्रोसीजरल लॉ। इट इज़ अ लॉ दैट क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। एग्जाम्पल CRPC, CPC, एविडेंस लॉ एक्सेट्रा। प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो प्रोसीजर बताता है, जैसे IPC में सेक्शंस दे रखे हैं कि इस ऑफेंस की ये पनिशमेंट है, लेकिन उसका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? CRPC में दिया है, ठीक है। तो जो प्रोसीजरल लॉ होगा वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CRPC है उसको हम बोलेंगे। और नेक्स्ट है अदर टाइप्स। जैसे कि आप सभी को पता है और भी बहुत सारे टाइप्स के लॉज होते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के लॉ होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू मेंटेन ऑर्डर। जो भी सोसाइटी में ऑर्डर है, जो भी कंडक्ट है, उसको मेंटेन करने का काम किसका है? लॉ का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अगर पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? लॉ करेगा। थर्ड पॉइंट है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना किसका काम है? लॉ का काम है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड राइट्स। जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं उनके लिबर्टीज, उनकी आज़ादी को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? लॉ करता है। फिफ्थ पॉइंट इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाता है, न्याय दिलाता है। कौन दिलाता है? लॉ दिलाता है। सिक्स्थ पॉइंट है टू कलेक्ट एंड जनरेट रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करते हैं और जनरेट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? हम लॉ के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन लॉ।
थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इस पूरी वीडियो में से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं।